वही जबलपुर के कौशल प्रशिक्षण केंद्र भवन में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FPAI ने देश भर में सेवा देते हुए 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी तारतम्य में जबलपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक ईश्वर दास रोहाणी और विशिष्ट अतिथि महापौर शामिल हुए। इसमें समाज के लिए विशेष योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया और नाबालिग उम्र में विवाह के नुकसान संबंधी विषय पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। FPAI के आज इस डायमंड जुबली कार्यक्रम में मैं शुभकामनाएं देता हूँ। 50-50 साल से 25-30 साल से समाज के लिए काम करने वाले आज उन महान शख्सियतों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से की गई यह सेवा और सरकार को सहयोग करना और जन जागरण अभियान के माध्यम से घर घर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा काम रखते हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और साथ ही आने वाले समय में महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर इस संस्था को और क्या अच्छा दे सकते हैं, क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें। एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज डायमंड जुबली का कार्यक्रम, जो प्रमुख लोग जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हमारे देश की सेवा में, हमारे शहर की सेवा में लगाया, ऐसे लोगों को आज सम्मानित करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली हम लोग कि आज इन लोगों से एक बार पुनः मुलाकात हुई। बड़े ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ अपने जीवन का बहुत बड़ा समय दूसरों के लिए लगाने का काम और फैमिली प्लानिंग जैसे काम के लिए, जिसमें लोगों से चर्चा करना भी संकोच का विषय होता था, 1952 से उस पर बात करना, उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, उस पर लोगों से मुलाकात करना, जन जागरण बहुत कठिन काम हुआ करता था, परंतु संस्था ने काम किया। ऐसे ऐसे लोग हमारे जबलपुर शहर में हैं, सम्माननीय लोग, जिन्होंने 50-50 वर्ष अपने इन कामों में लगा दिए, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर उनकी कुछ आवश्यकताएं भी हैं जो हम जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई हैं। ऐसी संस्था जो इस स्तर पर जाकर देश नहीं पूरी दुनिया में काम कर रही है, इनके लिए हम लोग कुछ कर पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। निश्चित तौर पर उनकी जो आवश्यकताएं वो हम लोग पूरी करेंगे। गर्व का विषय है कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपने 75 वर्षीय यानी कि हीरक जयंती मना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक स्वयंसेवी संस्था एक ऐसे विषयों पर, स्वास्थ्य के अंदरूनी विषयों पर, जिसमें कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, ये ऐसे विषयों को इंगित करती है, उनका सेवाएँ, शिक्षा और इसके बाद में सूचनाएँ देती है। तो आज अखिल भारतीय स्तर पर न सिर्फ जबलपुर में हमारी जो 40 शाखाएँ हैं, हमारी जो परियोजनाएं हैं 18 राज्यों में, उन सभी में आज का दिन विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। और आगे के लिए हम प्रेरणा लेते हैं कि आज से 75 वर्ष हुए, ये सैकड़ों वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता रहे, क्योंकि इस कार्यक्रम के अभी भी हमारी जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हुए। हम सभी जानते हैं कि आज भी हमारे जो जनसंख्या है, आज हम पहले नंबर पर पहुँच गए, जैसे कि सूचना मिले चीन के बाद में पहला देश हम बने।